छोटा ढाबा समझकर कहीं आदमी को छोटा मत समझना। क्या है बे? सेठ जी बोल रहा, सुनो सुनो। क्या है? अपना करेक्टर थोड़ा टेढ़ा है, अपन किसी से लड़ जावे ना तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाला ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ख्वाब आएंगे तो सोचेंगे ना, आपसे जो पंगा ले उसकी तो नींद आराम हो जाए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। लखाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। ताली का बैंगन, ये तो टेढ़ी खीर लगती है, निगलने के लिए चापलूसी का शहद लगाना पड़ेगा। शहद से काम नहीं चलेगा। आवाज आई क्या? अरे मन में इतना लाउड बात करोगे तो आवाज तो आएगी ना। बातें तो होती रहेंगी, तुम हमारे पड़ोसी हो, बताओ क्या लोगे? अपने को चापलूसी नहीं चाहिए, मेरा मतलब तकल्लुफ मत करो बाबा यार। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। हाँ वो समझ रहा हूँ। बात बता, तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं खाने में क्या लेंगे आप? है क्या तुम्हारे पास? चल बोल। हमारे पास चिकन लॉलीपॉप है, चिकन तंदूरी है, चिकन टिक्का है, मटन कबाब है। मेहमान है, खाने दो ना। काम के बीच में बोलेंगे आप? प्लीज। फिश है, चाय पिला के चाय बाद में दूंगा मैं। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है। एक काम कर, एक एक प्लेट सब ले, बाद में खाने का ऑर्डर दे डालेंगे। यस सर। पिछले जन्म में भैंसा था क्या? ये बोले छड़िए, आवाज आई क्या? हाँ तो फिर अपने आपको गली दोगे तो सुनाई नहीं देगा। मैं अपने आपको भैंसा थोड़ी बोलूंगा। वही तो बोल रहा हूँ, भैंसा ऐसा थोड़ी होता है। अरे बापरे, ये तो बहुत चालू आदमी है। अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए चालू बनना ही पड़ेगा ना। देखो यार, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ तुमसे, तुमने मेरे होटल के अंदर जो ढाबा बना के रखा है, जो झोपड़ा बना के रखा है, वो तोड़ डालो। और क्या करूँ, सड़क पे आ जाऊँ, वड़ा बेचूँ, भजिया तलूँ? नहीं, मेरे होटल में काम करो, मैं तुमको पगार दूंगा 10,000 रुपया महीना। मेरे ढाबे पे काम करो ना, मैं तुमको 20 देता हूँ। देखो मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। ए सेठ जी फूल मत देना, वो पिछले मालिक ने मेरे नाम की सुपारी दी थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, शराफत की बात कर रहा हूँ। शराफत इसी में है कि मेरे ढाबे के बारे में सोचना बंद कर दो। सही बात है। क्या बात है? बेटी का फोन है। ओ कहने लगी मेरे डैडी बड़े अजीब है। मैंने कहा सही बात है। क्या बोला बे? मोबाइल का लाइन चालू है, बिल जाता आएगा, बात कीजिए ना। करता हूं। हाँ बेटी। किसका फोन है? बेटी का फोन है। इसकी बेटी है? एक ही बेटी है, जवान है, जवान है, खूबसूरत। कुंवारी भी? कुंवारी है। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यार। कैसे? घर में लड़का और शहर में ढूंढ रहा। हाँ यार मेरी बात छेड़ना इससे। बात छेड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल्व है यार। यस सेठ जी, सेठ जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? बात कीजिए। हाँ क्या? देखिए लाला जी कह रहे थे कि मैं जवान हो गया हूँ और मेरी शादी की उम्र हो गई। और अभी भी बाकी ने बताया कि आपके घर में जवान बेटी है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं अपने ढाबे की चाबी आपके हाथ में दे देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी मेरी बेटी का नाम लेने की? अरे उसमें प्रॉब्लम क्या है? घर में जवान बेटी और फास्टर के सामने ढाबा, दो परेशानी एक साथ दूर होती तो आपको जाता क्या? मैं तेरा मुंह फोड़ डालूंगा। सेठ जी ठीक है, आपने मेरे साथ पंगा ले लिया ना, आज से आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है। और यकीन नहीं आता ना तो अपने घड़ी में अपना टाइम देख लीजिए। क्या देखूं बे? इसकी औकात देखी,